फतेहपुर में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने खास बातचीत की है और सीएम जयराम ठाकुर पर उनकी ओर से निशाना साधा गया है। तो वार पलटवार का दौर इस समय चरम पर नजर आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने खास बातचीत की है सीएम जयराम ठाकुर पर उन्होंने निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा के लोगों की अनदेखी की, ये उनकी ओर से बात कही गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जुब्बल कोटखाई में बीजेपी अपनी जमानत बचाने के लिए लड़ रही है। तो ये बयान है जो कि नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की ओर से दिया गया है। फतेहपुर का उपचुनाव और उपचुनावों में दोनों ही पार्टियां ताकत झोंक चुकी हैं। हालांकि कल 5 बजे चुनावी प्रचार थम जाएगा। ऐसे में आज मुकेश अग्निहोत्री ने एक बयान दिया है कि दे दे गेड़ा। उनसे जानेंगे कि आखिर ये दे दे गेड़ा है क्या, और जो बयान दिया है, जो दे दे गेड़ा शब्द है, ये तो गाने के शब्द हैं, और आखिर क्या कहना चाहेंगे मुकेश जी दे दे गेड़ा? नहीं, देखिए फतेहपुर का बाई इलेक्शन हो रहा है और इसमें हमारी पार्टी की तरफ से भवानी सिंह पठानिया चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पे 7 दिन के बाद जो नतीजे आएंगे वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पांव जो है इस चुनाव में लड़खड़ा चुके हैं और पूरे हिमाचल में ही भाजपा लड़खड़ा गई है। और जैसे ही चुनाव शुरू हुए, जिस ढंग से बगावत के दौर शुरू हुए, उससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी कई जगह तो हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। और यहाँ पे ये कांगड़ा की सीट है और इस चीफ मिनिस्टर ने, खासतौर पे श्री जयराम ठाकुर जी ने, कांगड़ा को पूरी तरह नज़रअंदाज किया है। और ये बात हर व्यक्ति के जहन में है कि यहाँ के ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको 4 साल तक विकास से आपने दूर रखा, कल्याण गरीब की सेवा के एजेंडे से दूर रखा। मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि कोई मुख्यमंत्री रीजनलिज्म पे चुनाव लड़ रहा हो, कोई मुख्यमंत्री कास्टिज्म पे चुनाव लड़ रहा हो। आज दिन तक कांग्रेस के जो लीडर थे, हमारे वीरभद्र सिंह जी हमारे नेता थे, उन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि क्षेत्रवाद की खाई को ख़त्म किया जा सके। उनकी मान्यता कांगड़ा में भी थी, मंडी में भी थी, शिमला में भी थी, हर जिले में समान थी। तो कास्ट और क्षेत्र के आधार पे कभी बात नहीं हुई। मुख्यमंत्री इस चुनाव में मैं देखता हूँ कि मंडी में कह रहे हैं कि मंडी के आधार पर वोट दो। अगर आप ऐसे क्षेत्र विशेष के आधार, क्योंकि वहाँ भी उनकी स्थिति नाजुक हो रही है, तो इसलिए वो जो है लगातार दुहाई जो दे रहे हैं वो क्षेत्र की दे रहे हैं। और यहाँ पे इस जिला में ये सबसे बड़ा जिला है और इस जिला को आप नज़रअंदाज करके चलेंगे तो कोई भी सरकार सर्वाइव नहीं कर सकती। मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि जो चुनाव है, इस चुनाव में वो 4 सीटें जीत रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारी जीत होगी, साथ ही साथ उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि जो 2 तारीख है 2 नवंबर, उसके बाद फतेहपुर का विकास शुरू होगा, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, आप ये मुख्यमंत्री ने कल कहा है कि जो जुब्बल कोटखाई की सीट है उन्होंने इस पर साफ कर दिया है कि ये उनके बस से बाहर है। कल उनका बयान आया है, तो इसका मतलब चार सीटों पर तो वो चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। वहाँ पे तो वो जमानत बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जुब्बल कोटखाई में भाजपा सिर्फ अपनी जमानत बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। साथ नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि कांगड़ा जिला को नज़रअंदाज किया गया है और फतेहपुर विधानसभा सीट पर जो है वो भाजपा ए वर्सेज बी की लड़ाई लड़ रहे हैं और साफ तौर पर कह दिया कि हम जीत हासिल कर रहे हैं। अब देखना तो ये होगा कि 30 तारीख को मतदान है और 2 तारीख को नतीजे आएंगे और देखना ये भी होगा कि सेहरा आखिर किसके सर सजता है। फतेहपुर से कैमरामैन राहुल के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक।